सांसद और विधायकों को जो फंड मिलता है उसके माध्यम से क्षेत्र का विकास होता है। आइए आज हम आपको बता दें कि आपके सांसद ने आपके क्षेत्र के विकास के लिए प्राप्त राशि में से कितना खर्च किया और कितने उदासीन रहे। 2019-20 बजट सत्र 2019-20 केंद्र सरकार ने सांसद निधि में 7, 5 और 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसे खर्च करने में उत्तर बिहार सूबे के 95 सांसद उदासीन रहे। बता दें कि उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर सांसद ने 100% खर्च कर दिया है, केवल उनके खाते में 0.01 करोड़ रुपए ही बचे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वैशाली सांसद वीणा देवी के पास 2.60 करोड़, शिवहर सांसद रामा देवी के पास मिले 5 करोड़ में से 1.85 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए बचे हुए। चलिए कुछ और जानकारी आपको दे दें। 41 सांसदों में से कई सांसद केंद्र सरकार में मंत्री हैं और केंद्र सरकार ने सांसद निधि में रुपए आवंटित किए, उसे खर्च करने में वे पीछे हैं। बक्सर के सांसद व केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपने निधि से सिर्फ 1.75 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी 3.25 करोड़ राशि अभी उनके खाते में बचे हुए हैं। आपको जानकर हैरान होगी कि केंद्रीय मंत्री व पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, बेहद चर्चित नाम, इन्होंने भी अपनी राशि का खर्च पूरी तरह से नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी निधि खर्च में उदासीनता दिखाई। अब आपको हम बता दें कि ये आवंटित 5 करोड़ में से 2.36 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाए हैं। इसके अलावा मंत्री गिरिराज सिंह, बेहद चर्चित नाम, 3.28 करोड़ रुपए उनके भी बचे हुए हैं। अब आइए हम लेकर चलते हैं आपको पूर्णिया, क्योंकि पूर्णिया की सांसद संतोष कुशवाहा को आपका अपना सांसद है तो आपको जानने का भी अधिकार है कि आखिर कोसी सीमांचल में क्या हो रहा है। आपको बता दें संतोष कुमार को भी 5 करोड़ रुपए आवंटित हुए, जिनमें से अब तक 1.41 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। अररिया का प्रदीप कुमार सिंह को ले लीजिए, उनके खाते में भी 5 करोड़ हुए हैं, लेकिन उन्होंने खर्च करने में आगे बढ़कर काम किया और सिर्फ 0.22 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से वे सराहनीय कदम उठा चुके हैं, उन्होंने कुछ काम किया है, खर्च किया है भाई। और तो और अब आप कहेंगे कि जब सब कम कर ही रहे हैं तो हमारे खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का क्या हाल है। तो बता दें 7 करोड़ रुपए उन्हें मिले हैं, जिनमें से लगभग 1.94 करोड़ अभी उनके खाते में बचे हुए हैं। किशनगंज की जानकारी आपको दे दें, डॉक्टर मोहम्मद जावेद की 5 करोड़ में 1.36 करोड़ उनके भी बचे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर 5 करोड़ में से अभी उनके खाते में 3.34 करोड़ रुपये बच गए हैं, यानी यहाँ ये भी खर्च करने में उदासीन है। भागलपुर से चलते हैं अजय कुमार मंडल के बारे में, 5 करोड़ में 2.57 करोड़ उनके खाते में बचे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के खाते में पूरी तरह खर्च करके उन्होंने साबित किया है कि काम कर रहे हैं। चलिए हम आपको और बता दें, सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत 5 करोड़ में अभी उन्होंने 4.34 करोड़ और खर्च करने बाकी हैं, यानी उनके खाते में 4.34 है, यानी पूरी तरह उदासीन दिख रहे हैं। वहीं आपको दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा के सांसद को बता दें कि 2.5 करोड़ उन्होंने आवंटित कराए और उनमें से 1.67 करोड़ अभी भी बचे हुए हैं। कटिहार के दुलारचंद गोस्वामी 5 करोड़ में अभी 2.76 करोड़ रुपए उनके पास भी बचे हुए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह अभी भी हमारे सांसद अपनी सांसद निधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर ये उनका सदुपयोग कर लें तो निश्चित रूप से क्षेत्र में और भी विकास देखने को मिले। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।